અથીશ્વર સ્તુતિ પ્રાર્થનોપાસના ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતદ્દુરિતાનિ પરાશુભ યદ્ભદ્રં તન્ન આશુભ ઓમ હિરણ્યગર્ભ સમવર્તતાગ્રે ભૂતસ્ય જાતઃ સદાધાર પૃથિવીં દ્યામુથે માં કસ્મૈ દેવાય વિશા વિધેમ ઓમ ય આત્મદા બલદાયસ્ય વિશ્વ ઉપાસતે પ્રશિષં યસ્ય દેવાઃ યસ્ય છાયાં ભૃતં યસ્ય મૃત્યુઃ કસ્મૈ દેવાય વિશા વિધેમ ઓમ યઃ પ્રાણતો નિમિષતો મહિત્વૈક ઇદ્રાજા જગતો બભૂવ યૈષેયસ્યાધિપદશ્ચતુષ્પદ કસ્મૈ દેવાય વિશા વિધેમ ઓમ યેન દ્યૌરુગ્રા પૃથિવી ચ દૃઢા યેન સ્વસ્તભિતૈ યેન નાકઃ યો અંતરિક્ષે રજસો વિમાનઃ કસ્મૈ દેવાય વિશા વિધેમ ઓમ પ્રજાપતેન ત્વદેતાન્યન્યો વિશ્વા જાતાનિ પરિતા બભૂવ યત્કામાસ્તે જહુમસ્તન્નો અસ્તુ વયં સ્યામપતયોરયીણાં સ નો બંધુર્જનિતા સવિધાતા ધામાનિ વેદ ભુવનાનિ વિશ્વા યત્ર દેવામૃતમાનશાનાસ્ત્રિતીયધામન્નધ્યૈરયંત ઓમ અગ્નેનય સુપથારાયે અસ્માન વિશ્વાનિ દેવ વયુનાનિ વિદ્વાન યુયોધ્યસ્મ જહુરાણમેન ભૂહિષ્ઠાન્તે નમ ઉક્તિં વિધેમ ઇતિ ઈશ્વર સ્તુતિ પ્રાર્થનોપાસનાઃ હમ પ્રત્યેક કાર્ય કો યજ્ઞ પૂર્વક પ્રારંભ કરતે હૈ ઓર જબ હમ યજ્ઞ અગ્નિહોત્ર હવન કરતે હૈ તો સબસે પહેલે ભગવાન કી સ્તુતિ પ્રાર્થના ઓર ઉપાસના કરતે હૈ ઓર સ્તુતિ પ્રાર્થના ઉપાસના કે જો વૈદિક મંત્ર હૈ ઉનકા હમ ઉચ્ચારણ કરતે હુએ સ્તુતિ અર્થાત ભગવાન કી અનંત મહિમા કો સ્વીકાર કરના જિસકી હમ સ્તુતિ કરતે હૈ ઉસસે હમારી પ્રીતિ હો જાતી હૈ હમ રૂપ કી સ્તુતિ કરતે હૈ તો હમારી રૂપ સે પ્રીતિ હો જાતી હૈ હમ ધન કી સ્તુતિ કરતે હૈ ધન કી મહિમા સુનતે હૈ તો ધન સે હમારા પ્રેમ હો જાતા હૈ ધન સે હમારી પ્રીતિ હો જાતી હૈ ધન કો હમ ચાહને લગતે હૈ ઓર ઉસકો પાને કે લિયે સબ પ્રકાર કે પ્રયત્ન કરતે રહેતે હૈ તો તન કી સ્તુતિ ધન કી સ્તુતિ રૂપ કી સ્તુતિ પ્રશંસા મહિમા ગૌરવ ગ્લેમર વો હમ સુનતે રહેતે હૈ બહોત તો હમ અધ્યાત્મ મેં ભગવાન કી સ્તુતિ કરતે હૈ કે ભગવાન સે જ્યાદા બલવાન ભગવાન સે જ્યાદા ધનવાન ગુણવાન મહાન જ્ઞાનવાન રૂપવાન ઐશ્વર્યવાન ઇસ સંસાર મેં ઉસસે મહાન કોઈ નહીં એસા હમ સબ વેદ કે મંત્રો મેં જો સંસ્કૃત મેં વેદ કી રિચાએ હૈં ઉનકા અર્થ યહી હૈ જો હમને
वो विश्वानि देव से प्रारंभ करके और हिरण्यगर्भ या आत्मदा बलदा कि प्रभो आप सारी सृष्टि के कर्ता नियंता सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ आप ही हो सर्वाधार सर्वेश्वर और इस सृष्टि के अर्थात पृथ्वीलोक द्यूलोक अंतरिक्ष लोक के और इन लोकों में स्थित समस्त ऐश्वर्य के आप ही स्वामी हो आत्मदा बलदा आप और सारा विश्व आप ही की वंदना कर रहा है। अलग अलग प्रकार से इन मंत्रों में हम भगवान की स्तुति करते हैं और मैंने कहा स्तुति करने से क्या होता है भगवान से प्रीति, स्तुति करने से क्या होती है भगवान से प्रीति। हम माता पिता की स्तुति करते हैं तो माता पिता से प्रीति हो जाती है, पति पत्नी एक दूसरे की स्तुति करते हैं तो एक दूसरे से प्रीति हो जाती है, गुरु अपने शिष्यों को और शिष्य अपने गुरु की स्तुति करते हैं तो एक दूसरे से प्रीति हो जाती है। तो हम जिसकी स्तुति करते हैं उससे प्रीति होती है तो भगवान को हम स्तुति में सबसे ऊपर रखते हैं, ये है स्तुति का अर्थ। फिर जब भगवान सर्वोपरि है तो फिर प्रार्थना में हमारा माथा झुक जाता है। प्रार्थना का फल है निराभिमानिता। हमारे जितने भी कार्य संसार में ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड होते हैं, हमें मानने लगते हैं कि बल तो मेरा ही है, ये तन तो मेरा ही है, धन तो मेरा ही है, ये संसार मेरा है, ये ज़मीन जायदाद ये ऐश्वर्य ये विद्या ये विभूति और इस विद्या विभूति से जो भी कुछ मुझे जीवन में प्राप्त हुआ है वो सब कुछ मेरा है। ये भावना रह करके जो ईश्वर का भक्त होता है वो ईश्वर की स्तुति करता है और वो ये स्वीकार करता है कि जो कुछ है भगवान से है, भगवान के लिए ही है, यह है प्रार्थना। और ये प्रार्थना में हम जो ये कामना भी करते हैं, एक जो प्रभु से याचना भी करते हैं कि प्रभु हमें ऐसा बना दो, जैसे हम भी भजन भी गाते हैं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा मेरे पिता, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो, तुझसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सो न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो हम अलग अलग रूपों में जो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, उसका तात्पर्य यही होता है कि हम भगवान को सर्वोपरि स्वीकार करके और ये मानते हैं कि जो मुझ में ज्ञान है, जो मुझ में संवेदनाएं हैं, तीन ही तो तरह की शक्ति होते हैं हमारे भीतर,
जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, एक भाव शक्ति, एक कर्म शक्ति है, और ये तीनों के स्रोत मेरे प्रभु ही हैं, और मैं प्रभु के साथ युक्त होके उनके दिव्य ज्ञान को, उनके दिव्य संवेदनाओं को, दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य से, दिव्य पुरुषार्थ से युक्त हो करके, और मैं भगवान के पथ पर, वेद के पथ पर, सत्य के, धर्म के, न्याय के पथ पर आगे बढ़ता जाऊँ, ऐसा ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना से हमारे जीवन में निराभिमान्यता आती है, और जिसका जीवन अहंकार शून्य हो जाए तो फिर तो जीवन में कोई दुख रहता ही नहीं। हम जब भी दुखी होते हैं तो एक ही चीज़ हमें दुखी करती है, हमारा अहंकार हमें दुखी करता है। आप सुबह से शाम तक चिंतन करना, किसी ने भी आपके ईगो पर जरा भी थोड़ा चोट की हो तो वहीं आप टूट जाते हैं, वहीं आप दुखी हो जाते हैं। तो प्रार्थना हम करते हैं कि हम अहंकार से मुक्त हो जाए, और उपासना करते हैं कि भगवान की, जब ये दो काम हो गए तो उपासना भगवान की दिव्यताओं से युक्त होना। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो भगवान की दिव्यताओं से युक्त होता है। हम ईश्वर के भक्त हैं, हम योगी हैं, हम आध्यात्मिक हैं, तो इसका लक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी अनुभूति क्या है? तो हम भगवान के भक्त हैं, इसकी सबसे बड़ी अनुभूति, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे भीतर भगवान की दिव्यताएं उतर जानी चाहिए, और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर हम, जो बार बार आप सुनते रहते हो, हम नर से नारायण बन जाते हैं, हम जीव से ब्रह्म हो जाते हैं, हम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, जो भी शब्द बोलते रहते हैं हम, ये तो सत्य की एक अनुभूति की अभिव्यक्ति मात्र है। तो भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक हम यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, और जीवन के सारे अनुष्ठानों को यज्ञ और योग और यज्ञ ही कहा है बस। तो आज धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी जयंती का अपभ्रंश हो करके धन्वंतरी ऐसा त्रयोदशी, तो आज से पांच महापर्वों का प्रारंभ हो रहा है। धन्वंतरी जयंती, धनतेरस, फिर छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा। गो का वर्धन ये सबसे बड़ी पूजा है हमारी, और वास्तव में जो है गाय का गोबर और गाय का मूत्र और गाय का दूध, घी आदि कितना कीमती है। हमने गाय के घी को तो सबसे बड़ी महिमा दिला दी देश में, और देश में सबसे बड़ा ब्रांड भी बना दिया, और जितने भी मोटे मोटे हैं उन सबको गोमूत्र भी पिला दिया, इतना लाभ होता है इसका। गोमूत्र पियो तो मोटापा कम होने लगता है, और कब्ज तो परमानेंट ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, गैस, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, सब समस्याओं का समाधान किससे? गोमूत्र से। तो हमने पहली बार हिंदुस्तान में, अभी हम 7 रुपये लीटर तक गोमूत्र खरीदते हैं, और आने वाले 1-2 वर्षों में हमारा लक्ष्य, हम 10 रुपये लीटर गोमूत्र खरीदेंगे। अभी गोबर इस हिंदुस्तान में अच्छे भाव नहीं बिकता है, तो हम अभी गोबर से समीधा बना रहे हैं, और गोबर भी गाय का अच्छे मूल्य में बिका करेगा। देखो ये तो मैंने यहीं पर एक दिन बोला था बच्चों को कि नॉलेज को वेल्थ में जो कन्वर्ट कर दे वो लाइफ में कौन क्या होता है, सक्सेस होता है। सुना ना मंत्र, सक्सेस मंत्र, कि नॉलेज को किस में हम कन्वर्ट कर दें, वेल्थ में। हम जानते हैं गोमूत्र बहुत अच्छा है, हम जानते हैं गाय का घी बहुत अच्छा है, गाय का दूध बहुत अच्छा है, गोबर बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको जब तक वेल्थ में कन्वर्ट नहीं करते तब तक ना तो सफलता मिलेगी, ना उससे कोई स्वास्थ्य मिलेगा, ना समृद्धि, कुछ भी नहीं। अब चारों तरफ गिलोई खड़ी हुई है, हमने उसकी महिमा इतनी बता दी, अब जिसको देखो वही गिलोई पी रहा है,
क्योंकि गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ती है, गिलोय से मोटापा कम होता है, गिलोय से डायबिटीज नियंत्रित होती है। निरंतर गिलोय का काढ़ा पीने से और मधुनाशिनी खाने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, ये बड़ी बात है। और ये गिलोय की महिमा बताई आचार्य जी ने हमको, इसलिए पूज्य आचार्य श्री का आगमन हुआ, एक बार सब की ओर से उनका अभिनंदन है। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न पतिर्दधातु। पूज्य आचार्य जी ने जिन जड़ी बूटियों को लोग कोई कीमत नहीं दिया करते थे उनकी इज्जत बढ़ा दी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। तो हम भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक भगवान की महिमा का गान करते हुए, भगवान की महिमा को स्वीकार करते हुए, अपने भीतर निराभिमानिता और भगवान की दिव्यता को धारण करते हुए जीवन में योग और यज्ञ करते हुए हम आगे बढ़ें। इसके लिए मैं कह रहा था ये पंच महापर्व, धन्वंतरी जयंती, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, आप सभी को पंच महापर्वों की बहुत बहुत शुभकामना। और आपके साथ साथ सारे देशवासियों को आस्था और संस्कार चैनल के माध्यम से भी सबके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आए और वैचारिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रताओं से मुक्त हो देश। गरीबी किसी को नहीं चाहिए और गरीब व्यक्ति जीवन को सुखपूर्वक नहीं जी सकता, इसलिए हमने धन की उपासना की है, दरिद्रता की नहीं। और ये जो पर्व हैं ये हमें पूर्ण बनाते हैं। पर्व शब्द जो है प्रिय पूर्ण धातु से बनता है, जो हमें पूरा कर दे। पर्व हमें पूर्ण बनाते हैं और इन पर जब हम उत्सव मनाते हैं तो हम उत्साह से भर जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। और ये पर्व कैसे मनाने चाहिए ये भी पतंजलि योगपीठ से देश और दुनिया सीखती है कि दिवाली कैसे मनाई जाए। यज्ञ इसका नाम है शारदीय नवसश्रेष्ठी, इसके साथ फिर भगवान महावीर, महर्षि दयानंद सरस्वती, फिर हमारी सिख परंपरा का भी बंदी छोड़, अलग अलग ऐतिहासिक प्रसंग इसके साथ जुड़ते चले गए, ये बाद की बात। ऐसे ही होली, ये दो तो हमारे यज्ञों के पर्व हैं। होली और दिवाली सबसे बड़े पर्व माने जाते हैं, जैसे हमारे देश के 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस महापर्व माने जाते हैं लोकतंत्र के। ऐसे भारतीय संस्कृति के जो होली और दिवाली दोनों ही पर्व हैं, एक शारदीय नवसश्रेष्ठी और दूसरा फाल्गुनी नवसश्रेष्ठी है, तो दोनों ही यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, एक शारदीय नवसश्रेष्ठी, दूसरा फाल्गुनी नवसश्रेष्ठी। और इसमें हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो भी हम हव्य अर्पित करते हैं, अग्निर्वई देवानाम मुखम, अग्नि सारे देवताओं का मुख है, और अग्नि में जो हम हव्य अर्पित करते हैं सारे देवताओं तक पहुंच जाता है। लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं और कई बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कोई देवी देवता नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने देखा कई घरों में तो कई प्रकार के सैकड़ों देवी देवता रखते हैं और अलग अलग स्तोत्र आदि पढ़ते रहते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। तो हम ओंकार और गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं, इसमें सब देवों की और देवाधिदेव परमात्मा देव की आराधना उपासना आ जाती है और जो भी हम हव्य अग्नि में अर्पित करते हैं वो सब देवताओं को समर्पित हो जाता है और सारे देवता और स्वयं परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। ये है वैदिक संस्कृति का मूल यज्ञ, इसलिए हम हवन करते हैं।
और इस हवन को, इस यज्ञ को, पंच महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की जो पावनी परंपरा है, यही तो हमारा वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्म है, इसको हम भूलते जा रहे थे और कहीं कुरूतियों में फंसते जा रहे थे। अब एक आदर्श परंपरा, एक स्वस्थ परंपरा, एक सनातन वैदिक ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा पतंजलि योगपीठ के माध्यम से भी हो रही है। और बहुत से बच्चे, यद्यपि हमारे घर चले गए हैं, वैसे पतंजलि योगपीठ सबका घर है, गुरु का घर सबका घर होता है, तो आप यहाँ बच्चे सात्विक रूप से यहाँ इन पांचों महापर्वों को मनाएंगे और आपसे प्रेरणा पा करके देशवासी और दुनिया के लोग भी सीखेंगे कि कैसे हमें अपने पर्वों को मनाना चाहिए। धनतेरस पर हम कहते हैं हमें धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य मिलना चाहिए, तो श्री कामो यजेत, आपको धन चाहिए तो भी योग और यज्ञ हैं, यही एकमात्र साधन है। ऐसे ही जीवन की सारी समृद्धि और सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य धन है। आज मैंने प्रभात में कि धनतेरस क्या है, तो उसमें 8 प्रकार की समृद्धि का जिक्र किया। सबसे पहला आरोग्यम धन संपदा, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है, सद ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म, संस्कार, सदाचार और योग और कर्मयोग करते हुए सात्विक समृद्धि पाना, ये 8 प्रकार की हमारी समृद्धियाँ हैं। तो आज हम पतंजलि योगपीठ के इस परिसर में भगवान धन्वंतरी, जो हमारे आयुर्वेद के स्थापक, आयुर्वेद के जो संस्थापक हैं, आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, उनमें महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों की एक पावनी परंपरा है। और इसमें भी लोकोक्ति में बड़े बड़े सत्य सन्निहित होते हैं। जैसे कोई वैद्य बनना चाहे तो उसको कोई नहीं कहते कि चरक बनेगा, सुश्रुत बनेगा, बोले ये धन्वंतरी पाक रहा है ये धन्वंतरी बनेगा भाई, ये तो धन्वंतरी जैसा वैद्य है। तो वैद्यों में धन्वंतरी की बड़ी प्रशंसा की गई है। और यदि हमारा तन का, मन का, बुद्धि का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो फिर तो जीवन में सारी समृद्धि, सारा ऐश्वर्य, सारी दौलत अपने आप ही मिल जाती है। तो आज उसी ऋषि परंपरा के महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी आदि ऋषियों के वर्तमान रूप पूज्य आचार्य जी को इस धनतेरस पर पतंजलि योगपीठ सहित हमारा संपूर्ण भारत और भारतवासी समृद्ध रहें, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें।